हाय ईच एंड एवरीबॉडी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म एक स्कूल है क्रिटिसिज्म का, जो कि 20th सेंचुरी, मिड 20th सेंचुरी के जो कुछ डेकेड्स थे वो उन्होंने कवर किए हैं। तो ये एक अमेरिकन मूवमेंट थी। न्यू क्रिटिसिज्म मैं आपको बता दूं, देखो क्रिटिसिज्म क्या है, सबसे पहले ये बात समझ लो। व्हाट इज क्रिटिसिज्म? क्रिटिसिज्म इज टू क्रिटिसाइज समवन पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली। देखो क्रिटिसिज्म जरूरी नहीं है कि हमेशा नेगेटिव ही हो या फिर पॉजिटिव ही हो। कई लोग हम कई बार बोलते हैं ना कि यार वो बड़ा क्रिटिसाइज करता है लोगों को, तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो गलत ही बोल रहा है। क्रिटिसाइज का मतलब है कि वो सही भी बोल सकता है। अगर आप किसी के बारे में, इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट समवन और सम इवेंट्स और एनी काइंड ऑफ लिटररी वर्क, तो वो आपका क्रिटिसिज्म है। आप उसकी अच्छी चीज़ें भी बता सकते हो, बुरी चीज़ें भी बता सकते हो। तो न्यू क्रिटिसिज्म जो था वो एक मोमेंट थी, इसमें 5-6 लोग हैं। रशियन फॉर्मलिज्म, जो एक रशिया में सबसे पहले एक मोमेंट चली फॉर्मलिज्म की। फॉर्मलिज्म का मतलब है रिलेटेड टू फॉर्म, एक पोएट्री या फिर एक लिटरेरी वर्क का जो फॉर्म है उसकी स्टडी। तो फॉर्मलिज्म से ही ये इन्फ्लुएंस हो गया अमेरिका में, जो ये न्यू क्रिटिसिज्म है वो चला। अब मैं सिर्फ अभी आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा कि न्यू क्रिटिसिज्म है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें जो है देखी जाती है। मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, इसके थोड़े राइटर्स बताऊंगा और जो इनके राइटर्स की जो मेन वर्क्स और टर्म्स होंगी वो मैं अलग से वीडियो बना के समझाऊंगा। एक एक राइटर की अलग से, अगर किसी का लंबा हुआ तो एक एक राइटर की अलग से वीडियो बना दूंगा, या फिर दो दो राइटर्स को एक वीडियो में कंबाइन करके बता दूंगा, तो वो आप जरूर चेक करना इसके बाद। तो सबसे पहले मैं लिख दूं न्यू क्रिटिसिज्म, अ क्रिटिसिज्म विच इज न्यू इन इटसेल्फ। तो न्यू क्रिटिसिज्म में सबसे पहली बात कि ये जो है सबसे पहले यूज किया गया था 1910 में जोल ई स्पिनग्राम। ये जो बंदा था जोल ई स्पिनग्राम, इसने कोई लेक्चर दिया था किसी यूनिवर्सिटी में, शायद कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, तो वहां इसने सबसे पहले ये यूज किया था 1910 में। तो ये जो टर्म वैसे है ये आई कहां से है, 1941 में एक वर्क लिखा था किसने, जॉन क्रो रैंसम ने एक वर्क लिखा था जिसका टाइटल था द न्यू क्रिटिसिज्म 1941 में। तो ये जो वर्क था यहां से इसको ये नाम मिला न्यू क्रिटिसिज्म का। अब हम बात कर लेते हैं कि न्यू क्रिटिसिज्म है क्या और इसमें क्या क्या चीजें देखी जाती है। सबसे पहले ये बात समझ लो कि न्यू क्रिटिसिज्म वालों को कुछ नहीं लेना है ऑथर से, ना ही इन्होंने कुछ लेना है उसके धर्म से, ना ही उसकी जात से, ना ही उसके रीजन से कि वो कहां से है, ना ही उसकी डिस्पोजिशन से कि उसने क्या सोचकर वर्क लिखा है। इनके लिए राइटर, किसी भी वर्क का राइटर जो है बिल्कुल मायने नहीं रखता। इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्म। इनके लिए इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैं लिख देता हूं। जब भी ये किसी भी लिटरेरी वर्क को क्रिटिसाइज करते हैं या फिर जज करते हैं, तो ये क्या चीज़ देखते हैं, ये देखते हैं कि उस, वैसे पर्टिकुलरली ये पोएट्री के बारे में था न्यू क्रिटिसिज्म जो है, पर्टिकुलरली ये पोएट्री को जो है एनालाइज करता है, नॉवल को भी करता है, हर चीज़ को, लेकिन इनका जो मेन फोकस था वो पोएट्री पर था। तो ये पोएट्री में क्या देखते हैं, ये नहीं देखते कि जॉन कीट्स ने लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, या फिर कॉलरिज ने लिखी है, या फेम खा के, या फिर वर्ड्सवर्थ ने नेचर के प्यार में लिखी है, या फिर कीट्स ने किसी चीज़ों के सेंशुअलिज्म जो उसका था, सेंशुअस पोएट्री लिखी है, वो इन्होंने कुछ भी नहीं देखना। इन्होंने देखना है कि एक पोएट्री की फॉर्म कैसी है, उसकी सेटिंग क्या है, उसमें राइम क्या यूज हुई है, ठीक है, उसमें और जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो क्या है, उसके करेक्टर, उसमें करेक्टराइजेशन कैसी है, उसकी करेक्टराइजेशन कैसी है, फॉर्म क्या है, राइम क्या है, उसका मीटर क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, उसमें क्या क्या डिवाइसेस यूज हुए, उसमें क्या एलिट्रेशन यूज हुआ है, ठीक है, या फिर उसमें कोई ये लिटोट्स है, ठीक है, या फिर उसमें एसोनेंस है, या फिर उसका मीटर कौन सा है, उसमें ब्लैंक वर्स है या फिर उसमें फ्री वर्स है, उसमें आयम्बिक पेंटामीटर है, या फिर ये सारी चीजें, उन्होंने ये सारी चीजों को देखना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उस पोएट्री का जो एक स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, उसमें क्या, वो जो उन्होंने, उनका जो मेन फोकस था वो था लैंग्वेज पे, लैंग्वेज। लैंग्वेज से इंपॉर्टेंट उनके लिए कुछ था ही नहीं, वो सिर्फ लैंग्वेज देखते थे, वो ये देखते ही नहीं थे कि ये राइटर कौन है, इसका किस राइटर ने लिखी है, किस
माहौल में रह के लिखी है, उनका कोई लेना देना था ही नहीं, उनके लिए था बस फोकस करना हमने लैंग्वेज पे, और जो टेक्स्ट उन्हें पेज पे दिख रहा है जैसा कि मैंने ये 10-12 चीजें लिखी है तो बस वो यहीं तक सीमित है, इससे बाहर उनको किसी से कुछ लेना देना था ही नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका न्यू क्रिटिसिज्म कि ये किस बारे में था, ये फॉर्म के बारे में था, उसमें क्या क्या चीजें लैंग्वेज और टेक्स्ट से रिलेटेड क्या क्या चीजें। इसमें कई बंदे ऐसे थे जैसे आई ए रिचर्ड्स, इसमें एक बंदा था तो उसने क्या किया, उसका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है वो बहुत फेमस है। उसने क्या किया कि अपने कुछ स्टूडेंट्स को, वो एक्सपेरिमेंट काफी फेमस है, अपने कुछ स्टूडेंट्स को उसने एक पोएम दे दी लिखी हुई किसी की, उसमें राइटर का नाम भी हटा दिया, उसकी डेट भी हटा दी, सब हटा दिया, और अपने स्टूडेंट्स को बोला कि अब इसको अपने शब्दों में तुम बताओ कि इसमें राइटर क्या कहना चाहता है। अब जैसे हमारे जैसा कोई बंदा हो, मान लो उसमें टाइटल हो, उसमें राइटर का नाम हो कि हाँ ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, तो हम एकदम से पहचान जाएंगे कि हाँ विलियम वर्ड्सवर्थ जो था वो नेचर को बहुत प्यार करता था, तो हम उसको एकदम से एनालाइज करना शुरू कर देंगे कि हाँ इसमें ये सारी चीज़ें, हम नेचर से रिलेटेड जो उसमें चीज़ें वो निकालना शुरू कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ने जो वहाँ पे किया, क्योंकि वहाँ पर उनका कुछ भी कोई नाम नहीं था, कुछ नहीं था राइटर का, तो उन्होंने जो उसका एनालिसिस किया वो अपने हिसाब से किया, उसकी लैंग्वेज देख के किया, उसके फॉर्म, उसका स्टाइल, जो राइटिंग स्टाइल था वो सारी चीज़ें देख के किया। तो वो मैं अलग से आई रिचर्ड्स की अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें उसकी और भी टर्म्स है वो भी समझाऊंगा। तो अभी मैं सिर्फ आपको 5-6 लोग बता देता हूं जो न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है। सबसे पहला आई रिचर्ड्स, फिर इसमें टीएस एलियट भी आते हैं, इसमें विलियम एम्सन आते हैं, ठीक है, इसमें क्लिंथ ब्रूक्स आता है, क्लिंथ ब्रूक्स, रॉबर्ट पेन वेरन, रॉबर्ट पेन वेरन स्पेलिंग्स में देख लेना थोड़ा, रॉबर्ट पेन वेरन भी इसमें है, और डब्ल्यू के विमसेट एंड बियर्ड्सले, ये दो बंदे थे, इन्होंने भी मिलके ये वर्क्स लिखा करते थे, इनकी टर्म्स भी ये इंटेंशनल फैलेसी और वो जो अफेक्टिव फैलेसी है वो इन्हीं की है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये कुछ इसके मेन लोग हैं, और एक मैं और भूल गया, एलन टेट, एलन टेट, इनका टेंशन इन पोएट्री वो जो इनकी टर्म है। तो ये जो लोग थे ये इसके जो है ये माने जाते हैं इसके बाशिंदे। तो इनकी जो जो भी टर्म्स है अलग अलग, मैं सबकी आपको टर्म्स समझाऊंगा अलग से वीडियो बना के। अभी सिर्फ मेरा मकसद है कि आपको न्यू क्रिटिसिज्म का जो ये कंसेप्ट है ये अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो इसमें जो इनका गुरु था ना वो था जॉन क्रो रैंसम, जॉन क्रो रैंसम जिसमें मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, जॉन क्रो रैंसम के जो शिष्य थे वो थे एलन टेट और क्लिंथ ब्रुक्स एंड रॉबर्ट पेन वेरन। ये तीन जो बंदे थे ये तीन ये उसके स्टूडेंट्स थे जॉन क्रो रैंसम के, तो वो इनका गुरु माना जाता था। तो ये सारी चीज़ें हैं न्यू क्रिटिसिज्म में, न्यू क्रिटिसिज्म में सिर्फ यही है। और इसके अपोजिट जो इसके अपोज में जो कुछ मोमेंट्स चली है जैसे कि रीडर रिस्पांस थ्योरी, क्योंकि रीडर रिस्पांस थ्योरी क्या कहती है, वो कहती है कि रीडर्स के जो अपने एक्सपीरियंसेस है, एक वर्क को जब रीडर कोई पढ़ता है तो अपने हिसाब से उसको वो जज करता है, अपने हिसाब से उसमें वो मीनिंग्स फाइंड करता है, तो उसमें रीडर का जो है बहुत बड़ा रोल है। लेकिन ये जो कहते हैं, ये कहते हैं इसमें रीडर का कुछ भी नहीं है, कोई एक्सपीरियंसेस नहीं है, बस टेक्स्ट है जो कुछ है, लैंग्वेज है जो कुछ है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो वो अपोज में थे। कुछ शिकागो स्कूल भी था न्यू एरिस्टोटलिज्म में, उसमें उसे कहा जाता है, वो भी मैं समझा दूंगा। तो अभी सिर्फ इतना समझ लो कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या है, इसके ये 4-5 लोग याद कर लो, और इनके जो वर्क्स होंगे वो मैं अलग से बता दूंगा, इनकी टर्म्स भी एक्सप्लेन कर दूंगा दूसरी वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ और मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर भी सकते हो, अगर नहीं करना है तो ऐसे ही मज़े ले सकते हो ऐसे ही देख के। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, तब तक के लिए एंजॉय करो, बाय।